पिछले दिन मैं वेयरहाउस को पूरी तरीके से कलर कर चुकी थी और फिर मैं काम कर ही रही थी तभी अपना गैरेज का सारे पार्ट्स भी आ जाती है जो भी मैंने ऑर्डर की थी। तो फटाफट से पार्ट्स को भी मैं निकाल के अपनी जगह पे रख देती हूँ। तो होला दियोस गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आरिका आज दोबारा खेल रही हूँ गैस स्टेशन सिम्युलेटर। तो जैसे कि मैंने गाड़ी का पार्ट्स कलेक्ट कर लिया अभी, तो अभी मैं जाके काम करती हूँ। अच्छा, गैरेज पे एक बंदी आके पहले से ही खड़ी थी। तो देखो इधर पे टायर बिल्कुल भी नहीं थी, तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे तो मैंने कुछ ही बस टायर को ऑर्डर कर ली थी और अभी इसके गाड़ी को मैं ठीक कर सकती हूँ। तो जैसे कि इधर पे इसका शायद दो चक्के खराब है, तो ये दो चक्के को मैं लगा देती हूँ इधर पे। चक्का तो मैंने खोल लिया, अब बस इसको लगा दे के बस मुझे स्क्रू को फिट करनी पड़ेगी। तो इधर पे मैंने चक्का को चलो लगा दिया और स्क्रू को भी मैंने फिट कर दे रही हूँ अभी। चलो हो गया। और मुझे इधर पे मिल चुकी है पूरे $550 इसके गाड़ी को ठीक करने के कारण। तो उधर जाते हैं एक बार, देखते हैं कि इधर पे देखो कितने सारे बंदे आके खड़े हो चुके हैं। तो इन लोगों को भी मैं फटाफट से इन लोगों का माल देके भी इन लोगों को क्लियर कर दूँगी। चलो इधर पे इसको देने पे मुझे एक मेरे जो अचीवमेंट है वो अनलॉक हो जाती है और ऊपर से मेरी गैस स्टेशन शायद एक लेवल और भी आप पे पहुंच जाती है। तो इधर पे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सारे कुछ ख़त्म हो चुकी थी। तो देखो सारे के प्राइस सिर्फ पेप्सी को छोड़ के और ये मिल्क वाले क्या छोड़ के इसको छोड़ के सारे के प्राइस बढ़ी हुई है। तो इधर पे मैंने कुछ स्नैक्स वगैरह और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स को मैंने ऑर्डर कर दी और इधर पे एक पुलिस ऑफिसर भी आके खड़े हैं। तो इनको सिर्फ एक ही माल लेना था, मैंने दे दिया। अभी गैस स्टेशन देखो पूरी के पूरे रेड मार्कर में चली गई है, इतने ज़्यादा गंदगी फैला चुकी है मेरी गैस स्टेशन पे। तो इधर पे साफ करना ज़रूरी है क्योंकि अगर साफ नहीं करूँगी तो कस्टमर भी बहुत कम आएगी। अकेले कर रही हूँ तो एक तरफ देखो कि मेरी गैस स्टेशन अभी लेवल को मैं सोच रही हूँ कि इंक्रीज कर ही दूँ इसका, तो मैंने लेवल फिर से इंक्रीज कर दी और अभी ये अचीवमेंट भी अनलॉक हो जाती है और मेरी गैस स्टेशन लेवल 4 पे पहुँच जाती है। तो अभी लेवल 4 पे पहुँच चुकी है, मैं काम करती हूँ गैस स्टेशन को क्लोज कर देती हूँ और थोड़ा जितना भी रिनोवेट करनी थी वो सारी चीज़ मैं सोच रही हूँ कि अभी कर दूँ जो जो काम मेरे बाकी है, क्योंकि मुझे अभी एक पार्किंग स्लॉट भी खरीदनी है सोच रही हूँ खरीद। अभी तो लॉक दिखा रही है, तो इधर पे बाथरूम भी मैं खरीद सकती हूँ शायद अभी तो। और इधर पे अगर मैं इसको ले लूँ तो एक, चलो इसको मैंने ले लिया तो और एक फ्यूल स्टेशन भी खुल चुकी है, तो अभी थोड़ा ज़्यादा बंदा आएगा। और इधर पे बस स्टेशन में मैं खरीद लेती हूँ, बस स्टॉप भी मैंने इधर पे चलो खरीद लिया। तो इधर पे जो भी बस वगैरह आएगा वो आके खड़े हो सकते हैं, तो अगर बस आएगा तो ज़्यादा लोग भी आएगा। तो देखो बॉयलेट मैंने खरीद लिया फाइनली, तो टॉयलेट का लुक्स भी देख लेते हैं एक बार। अच्छा ये सब अभी भी तैयार नहीं हुए, तो ये सब करने के लिए शायद मुझे फिर से इसे खरीदना पड़ेगी। तो छोड़ते हैं सब और चलते हैं, इधर पे कॉल भी आ रही है तो उसको भी पहले कर लेते हैं एक बार। तो इधर पे बोला जा रही है कि मैं अभी एम्प्लॉयर खरीद सकती हूँ। तो चलो फाइनली मैं अभी एम्प्लॉयर को खरीद सकती हूँ, तो मैं चली आई हूँ एम्प्लॉयर को खरीदने के लिए। जैसे मैंने आया इधर पे मुझे उनके लिए बस टाइप से कुछ खरीदना पड़ रही है, तो मैंने उसको खरीद लिया। फिर शायद मैं अभी एम्प्लॉयर को हायर कर सकती हूँ। तो दोनों का ही सी भी मैंने पढ़ा, बट इन दोनों में से मुझे सी भी इस लड़की का ही अच्छी लगी, तो मैंने सोचा इस लड़की को ही अपने एम्प्लॉयर के रूप में हम ले लेते, क्योंकि इसका रेट्स भी कम था और इसका जो क्वालिफिकेशन था वो भी इस लड़के से अच्छा था, तो मैंने इस लड़की को ही लिया। और अभी चलते हैं देख के आते वो लड़की कहाँ पर बैठी है। वैसे मुझे तो लगा था इधर भी होगी शायद, समझ में नहीं आ रही है, शायद इस साइड होगी फिर। अच्छा तो ये देखो ये बैठ के, अच्छा इधर पे बियर के बोतल्स रखी हुई है, ये बैठी हुई है। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि अभी टास्क दूँ भी तो क्या दूँ। तो मैंने इसको अभी
रजिस्टर को हैंडल करने के लिए भेज दी है। तो जैसे कि मैंने इसे भेज दिया, ये चली भी गई है अभी अपना रजिस्टर को संभालने के लिए। तो ये कितना स्लो स्लो दौड़ रही है देखो। तो मैं इसको क्रॉस करके मैं अभी इधर से चली गई हूँ, और एक मैंने फ्यूल के लिए मैंने भेज दिया फिर से, क्योंकि इधर पे कोई खड़ा तो था नहीं। और इधर पे देखो मैंने सारे को सजा लिया, बट इधर का कलर भी अभी बाकी है थोड़ी बहुत, तो मैं काम करती हूँ कलर को कर ही देती हूँ मैं। तो कलर को छोड़ते अभी, ये आके अभी इधर पे खड़ी है, फिर काम करती हूँ मैं इधर से। ये पता नहीं कौन सा टूल मैंने खरीद लिया अभी, इसका काम भी क्या होगा मुझे वो भी समझ में नहीं आ रही है। तो बाकी और फिर से इधर पे गैस स्टेशन बहुत ज़्यादा गंदगी मचा चुकी है, तो मैं इधर पे भी साफ कर देती हूँ। और ये लड़की रेस्ट पे चली गई है अभी, और मुझे जो भी करनी है अभी अकेली ही करनी पड़ रही है, यही सबसे बड़ी दिक्कत की बात हो चुकी है। तो इधर पे मैंने साफ सफाई तो कर दिया, और इधर पे मैंने सारे कुछ साफ कर दिया, चलो साफ हो गई। और इधर पे फ्यूल वाले भैया भी आ चुके हैं, और उधर पे देखो वेयरहाउस पे माल लेके भी वो पहुंच चुका है, तो उसको भी क्लियर करनी पड़ेगी अभी। तो इधर पे इस बंदी को मैं पहले रजिस्टर में इसके सारे माल को पहले दे देती हूँ। तो ये सब छोड़ते हैं अभी, और इधर पे जो बिन बैग था उसको भी मैंने इधर पे डाल दिया, और अभी चलते हैं। फ्यूल वाले भैया बहुत देर से खड़ा है, उसका पहले टैंकर को मैं ऑन कर देती हूँ, नहीं तो पीछे बहुत सारे देखो इतने ज़्यादा ट्रैफिक जैम लग चुकी है। और इधर पे माल देने वाले भैया भी आ चुके हैं, जितना भी मैंने स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जितना भी मैंने ऑर्डर की थी तो उसके हिसाब से आ चुकी है। तो इधर पे मैंने इस सारे माल को लेके पहले मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ। और ये देखो बिना बंद किए चले जा रहे, कोई नहीं जाने दो इसको, मैं बंद करके जाती हूँ और देखती हूँ और क्या क्या काम बाकी है मेरे गैस स्टेशन पे। तो इधर पे देखो कितने ज़्यादा ट्रैफिक जाम लग चुकी है अभी, तो पता नहीं, चलो देखते हैं कितने देर में ये फ्यूल वाला भैया ख़त्म करता है। और इधर पे कैश रजिस्टर पे और एक बंदी आके खड़ी हो चुकी, तो इसको भी मैं फटाफट से कि भी जितने सारे माल थे उसको मैं दे दे रही हूँ पहले। तो इधर पे मैं बहुत सारे माल तो नहीं लेने आई है, बस तीन ही माल लेने आई है, तो इसको मैं इसको भी दे देती हूँ। और इधर पे जितने भी माल मैंने ऑर्डर किया है उसको भी मैं फिल कर देती हूँ एक बार, तो जितने ज़्यादा माल रहेगी उतने ज़्यादा बिकाऊ भी होगी शायद, तो देखते क्या होती है अब। तो इधर पे मैंने सारे माल को तो लगा दिया, अभी इधर पे भी स्नैक्स मैंने ऑर्डर नहीं की थी क्या यार, मैं भूल ही चुकी थी स्नैक्स मैंने ऑर्डर ही नहीं की थी। तो इधर पे मैं काम करती हूँ, मैं स्नैक्स को भी ऑर्डर कर देती हूँ अब। तो कुछ थोड़ा बहुत स्नैक्स को मैंने ऑर्डर कर दी, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, ना ही मेरे वेयर हाउस इतने बड़ी है कि उसमें मैं बहुत सारे माल लेके एक ही बार में उधर पे रख सकती हूँ। तो इधर पे तभी देखो कितने सारे बंदे आके खड़े हो चुके, चार चार बंदे हो चुके, तो इन लोगों को भी मैं फटाफट से छोड़ देती हूँ। ये बंदी बहुत सारी माल ले रही है, तो चलो इसका भी फाइनली हो चुकी है। और अब दूसरे वाले भैया जल्दी आओ, चलो ये भी आ गया, इसको भी दे देते। बाप रे बाप, ये तो साथ साथ माल लेने वाले, तो इधर पे भी बहुत सारे टाइम जाने वाली है मेरी अभी, फटाफट से इनको भी दे देते एक सेकेंड। तो चलो इधर पे भी फाइनली हो चुकी है इसको भी देना, और चलते बाहर की तरफ। और देखो फ्यूल पे भी एक बंदा के मेरे जो एम्प्लॉयर है वो तो पता नहीं रेस्टिंग में कब के जाके वो सो चुकी है, अभी उसका रेस्टिंग भी कंप्लीट हो गई है। ओ इसको पहले मुझे पे करनी पड़ेगी फिर जाके आएगी, मतलब कुछ भी। और मेरे पास अभी इतने सारे पैसा है भी नहीं कि मैं इसको अभी पे कर सकूँ, कि मुझे और भी कुछ चीज़ों में लग सकती है, तो मैंने सोचा मैं ही कर लेती हूँ इधर पे। तो मैंने इधर पे फ्यूल भी दे दिया, और चलो इधर पे हो चुकी है। अभी रजिस्टर पे भी बहुत सारे बंदे खड़े हैं, और ऊपर मैंने जो माल ऑर्डर की थी वो फिर से आ चुकी है। और इधर पे जाके मैं एक बार देख के आती हूँ कि ये क्या कर रही है। तो इधर पे आते ही मैं देख रही हूँ कि ये बैठे बैठे बियर पी रही है, मतलब यार कुछ तो काम कर दो मेरी, देखते एक बार। नहीं इसको पहले पे ही करनी पड़ेगी, नहीं तो ये मेरी काम नहीं करेगी बोल रही है।
तो एक काम करती हूँ, मैं पहले इसको पे कर ही देती हूँ, नहीं तो ये मेरी काम करने के लिए रेडी नहीं हो रही है। तो इधर पे मैं इसको फाइनली पे कर चुकी हूँ, अभी शायद ये मेरी काम कर देगी, तो देखते हैं। चलो देखो अभी ये मेरी काम करने के लिए जा रही है, तो इसे जाने देते हैं और मैं चलती हूँ वेयर हाउस पे, अब जितने भी माल आ चुका है वो सारी के सारी चीज़ों को रख देने के लिए, नहीं तो ये पे पे करके मेरे कान खराब करते रहेंगे। तो इधर पे मैं वेयर हाउस को खोल देती हूँ, तो ये गाड़ी लेके अपने वेयर हाउस पे घुस चुका है अभी। और इधर से जितने भी माल मैंने ऑर्डर किए थे, मैं बहुत ही कम माल ऑर्डर की थी क्योंकि मेरे पास पैसा भी नहीं है, तो उसके हिसाब से ही मैंने ऑर्डर की थी। इसको जाने देते हैं और मैं चलती हूँ फिर से अपने गैस स्टेशन पे, अगर कोई काम है तो देखते। उधर पे फ्यूल सेंटर पे भी बंदा के खड़ा हो चुका। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। इसके आगे मैंने क्या क्या किया उस चीज को लेके, उससे पहले होला टियर्स गाइस, कैसे हो आप सभी लोग, मैं अरिका, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। इसके आगे मैंने क्या क्या किया उस सारी चीजों को लेके, तब तक के लिए आप सभी लोग बहुत खुश रहिएगा, अच्छे रहिएगा, टाटा एंड टेक केयर।